हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार चंद्रवाल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। आज आपको जो अपना स्पॉट वेल्डिंग है, जो कि अपना एक प्रकार का टाइप है किसका, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का, इसके बारे में आज अपने सेशन में पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है स्पॉट वेल्डिंग। ठीक है, सबसे पहले बात करें कि जो आपका स्पॉट वेल्डिंग है ये क्या है, आपका एक टाइप है किसका, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का। तो स्पॉट वेल्डिंग से पहले अपन देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, और इन तीनों टाइप्स के बारे में अपन अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले अपन ने जो अपना वीडियो था, लेक्चर वीडियो था, तो उसमें अपन ने किसके बारे में पढ़ा था, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में, कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग आपकी क्या होती है, साथ ही साथ रेजिस्टेंस वेल्डिंग किस प्रकार काम करती है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, कि कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस वेल्डिंग को यूज़ किया जाता है। तो जनरली तीन प्रकार की अपनी रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है। पहला है स्पॉट वेल्डिंग, सेकेंड है सीम वेल्डिंग, और थर्ड है बट वेल्डिंग। जो ये जनरली कॉमनली यूज आपकी रेजिस्टेंस वेल्डिंग के टाइप्स हैं। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे स्पॉट वेल्डिंग के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्पॉट वेल्डिंग आपकी है क्या। ठीक है, जनरली स्पॉट जो वेल्डिंग है आपकी, ये है कोई भी दो मेटल शीट्स हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए काम आती है। ठीक है, मतलब कोई भी जो भी आपकी तो थिन मेटल शीट्स हैं, फॉर एग्जांपल अपन माने कि जैसे आपकी चद्दर हैं जो कि थिन मेटल शीट्स क्या होते हैं, वो बने हुए होते हैं, उनकी जो मोटाई रहती है वो क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है, तो उन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए, आपस में वेल्ड करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, स्पॉट वेल्डिंग का। स्पॉट वेल्डिंग के नाम से आपको पता चल रहा है, स्पॉट्स मतलब इसमें क्या होगा कि आप पर्टिकुलर पॉइंट्स पर उन दोनों मेटल शीट्स को क्या करोगे, वेल्ड करोगे, कंबाइन करोगे, जोड़ोगे। ठीक है, तो स्पॉट्स के रूप में अपन उन मेटल शीट्स को जोड़ेंगे, इसलिए इस वेल्डिंग का क्या नाम है, स्पॉट वेल्डिंग है। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड फॉर जॉइनिंग टू और मोर शीट्स ऑफ मेटल, मतलब दो या दो से अधिक मेटल शीट्स को अपन इस वेल्डिंग के द्वारा क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। द शीट्स टू बी वेल्ड आर हेल्ड ओवरलैपिंग बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, वन मूवेबल एंड अदर फिक्स्ड। Heavy current is passed through the electrode. Pressure is applied with the top electrode by moving it downward. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो भी आपकी जो मेटल शीट्स हैं, ठीक है, उन मेटल शीट्स को वेल्ड करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें से कि आपका एक इलेक्ट्रोड क्या होता है, आपका मूवेबल होता है, वो मूव कर सकता है, अप डाउन हो सकता है, और जो दूसरा आपका इलेक्ट्रोड है वो क्या रहता है, अपना फिक्स रहता है। ठीक है, तो जिन मेटल शीट्स को, जिन दो मेटल शीट्स का, दो से अधिक भी हो सकती हैं, को जोड़ना है, उनको अपन क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखकर, और जहाँ से वेल्ड करना है वहाँ पर उनको क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट पॉइंट बनाएंगे, और कॉन्टेक्ट करा के फिर क्या करते हैं अपन, यहाँ पर हैवी करंट फ्लो कराते हैं इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, यहाँ पर अपन हैवी करंट फ्लो कराते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हैवी जो आपका हैवी करंट है वो उन मेटल शीट्स के थ्रू क्या होता है, फ्लो होता है, और उन मेटल शीट्स के जो रेजिस्टेंस है, उनका कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस, साथ ही साथ जो मेटल शीट्स है उनका रेजिस्टेंस, उन रेजिस्टेंस के कारण इसमें क्या होता है, आपका आई स्क्वायर आर लॉस, पावर लॉस होता है, जिसके कारण आपकी आई स्क्वायर आर इंटू टी क्या होती है, यहाँ पे हीट जनरेट होती है। जैसे ये हीट जनरेट होती है, साथ ही साथ अपन क्या करते हैं, जो अपने इलेक्ट्रोड है, जो कि कौन सा इलेक्ट्रोड, ऊपर वाला इलेक्ट्रोड, जो कि आप क्या है, मूव कर सकता है, मूवेबल जो इलेक्ट्रोड है, उससे फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ से अपन को क्या करना है, वेल्ड करना है, वहाँ पर अपन क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रोड को अपन नीचे की तरफ कर मूव कराते हैं, जिससे कि क्या करता है, वो इलेक्ट्रोड एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या करता है, आपका
प्रेशर अप्लाई करता है, जिससे कि उस पर्टिकुलर स्पॉट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो दोनों जो मेटल सीट्स हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, वेल्ड हो जाती हैं। हैवी करंट इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोड, प्रेशर इज अप्लाइड फ्रॉम द टॉप इलेक्ट्रोड बाय मूविंग इट डाउनवर्ड। मतलब जो अपन प्रेशर अप्लाई करते हैं, दाब अप्लाई करते हैं, वह जो मूवेबल इलेक्ट्रोड है, जो कि कौन सा है आपका टॉप वाला इलेक्ट्रोड है, वो मूवेबल इलेक्ट्रोड होता है, उससे अपन यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। द फ्यूजन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस एट द स्पॉट, द सीट इज देन मूव टू हैव अनदर स्पॉट वेल्ड एट डिजायर्ड प्लेस। मतलब इसी प्रकार अपन क्या करते हैं, जितने भी स्पॉट्स हैं वहाँ पर अपन क्या करते हैं, वेल्डिंग करते जाते हैं, वो जो मेटल सीट्स हैं वो आपस में कॉन्टेक्ट होते हुए चलती जाती हैं, और एक पर्टिकुलर स्पॉट्स पे आपकी क्या होती है, उस इलेक्ट्रोड के प्रेशर के कारण वेल्डिंग होती जाती है। द टाइम पीरियड ऑफ ईच वेल्ड मे बी 100 ऑफ ए सेकेंड और मोर। मतलब जो कोई भी दो वेल्डिंग स्पॉट होंगे, उन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो 100 ऑफ सेकेंड को होगा, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अपन यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो अपना करंट है, कौन हैवी करंट यहाँ पर अपन क्या करते हैं, फ्लो करवाते हैं। इसलिए जो करंट की जो रेंज होती है वो जनरली 5000 एम्पीयर या उससे ज़्यादा होती है। ठीक है, द करंट मे बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5000 एम्पीयर या और मोर। मतलब यहाँ पर जो आपकी करंट की रेंज है वो 5000 एम्पीयर या उससे अधिक हो सकती है। द वोल्टेज बिटवीन इलेक्ट्रोड्स अबाउट 2 वोल्ट। अब ओबियस सी बात है, आप करंट यहाँ पर हायर यूज कर रहे हो तो वोल्टेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसीलिए जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं उन दोनों के बीच जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 2 वोल्ट होता है। द ओपन सर्किट वोल्ट इज लेस देन 12 वोल्ट। यदि अपन ओपन सर्किट वोल्टेज की बात करें दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच, तो वो होता है आपका 12 वोल्ट। ठीक है, तो अब ये अपन बात कर रहे हैं कि अपने पास सप्लाई तो 230 वोल्ट अगर अप्लाई है अवेलेबल है सिंगल फेज के केस में, और थ्री फेज के केस में अपने पास 415 वोल्ट अवेलेबल है। अब इस वोल्टेज को अपन को कितना चाहिए, 2 वोल्ट। ठीक है, तो वो वोल्टेज कन्वर्जन फिर अपन किससे करते हैं, एक ट्रांसफार्मर से करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो वो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है जो आपका इनपुट सप्लाई वोल्टेज है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, या किस में स्टेप डाउन कर देता है, आपके 2 वोल्ट में स्टेप डाउन कर देता है उसको। द मैकेनिकल प्रेशर मे बी डेवलप्ड बाई ए फुट लीवर और हाइड्रोलिक सिलेंडर। अब अपन बात करें जो मैकेनिकल प्रेशर अपना अप्लाई कर रहे हैं उस मेटल सीट पर, उस पर्टिकुलर स्पॉट पर, वो अपन एक चाहे तो फुट लीवर या हाइड्रोलिक सिस्टम से उसको क्या कर सकते हैं, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैकेनिकल प्रेशर अपन यूज कर रहे हैं वो आप अपन फुट लीवर से भी डेवलप कर सकते हैं, या जो अपना हाइड्रोलिक सिलेंडर है उससे भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड इलेक्ट्रोड स्टिकिंग, इट इज नेसेसरी टू अवॉइड हीटिंग ऑफ जंक्शन फेसेज बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड वर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड स्टिकिंग को अवॉइड करने के लिए, उसकी इलेक्ट्रोड स्टिकिंग नहीं हो, उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है कि जो भी आपका इलेक्ट्रोड है और जो वर्क पीस है, जो कि जो आपकी क्या क्या है मेटल सीट है, उन दोनों के बीच हीटिंग को अपन क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, अवॉइड करना ज़रूरी होता है, जिससे कि अपन ये क्या हो, इलेक्ट्रोड स्टिकिंग नहीं हो। ठीक है, तो इस हीटिंग का जो अवॉइडेशन है, या जो हीटिंग हो रही है उसको अपन किस प्रकार अवॉइड कर सकते हैं, दो मेथड यूज़ करके अपन क्या कर सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं। एक तो कि अपन जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं वो क्या हो, आपके वाटर कूल्ड इलेक्ट्रोड हो। जो आप मूवेबल और जो फिक्स इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं अपने यहाँ पर, जिनके थ्रू अपन क्या करते हैं प्रेशर अप्लाई करते हैं, वो क्या होने चाहिए, वाटर कूल्ड इलेक्ट्रोड यहाँ पर होने चाहिए।
दूसरा मेथड क्या है, बाय एम्प्लॉइंग इलेक्ट्रोड मेड ऑफ मेटल हैविंग हाई इलेक्ट्रिकल एज वेल एज थर्मल कंडक्टिविटी, या फिर अपन ऐसे इलेक्ट्रोड यूज करें जिनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है साथ ही ज़्यादा जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो क्या हो, ज़्यादा होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी हाई होगी तो इससे क्या होगा कि जो आपका इलेक्ट्रोड हीटर हो रहा था उसका जो हीटिंग के कारण जो टेम्परेचर हाई है वो कंडक्टिविटी अच्छे होने के कारण वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, जो भी आपके डिजायर्ड लेवल है उस पर वो आ जाएगा। ठीक है, तो दो मेथड हैं, पहला क्या है आपका, आप जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं वो वाटर कूल इलेक्ट्रोड हो, दूसरा कि आप जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी साथ साथ थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं कि इसकी वर्किंग किस प्रकार ये काम करेगा, तो अपन एक डायग्राम के थ्रू अपन इसको क्या करेंगे यहाँ पर समझेंगे। फिगर शोज हाउ स्पॉट वेल्डिंग इज डन, रोड्स वायर स्मॉल पीसेस कैन आल्सो बी वेल्डेड बाय दिस मेथड, फॉर द शीट्स द टाइम रिक्वायर्ड इज 1/50 सेकेंड ऑफ फॉर ईच 0.25 mm ऑफ थिक टोटल थिकनेस ऑफ टू शीट्स टू बी वेल्डेड। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें कि 0.25 mm की दो मेटल सीट है अपने पास, उनको ऊपर को अगर वेल्ड करना है तो जो स्पोर्ट्स के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा, जिस टाइम इंटरवल के दौरान एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर क्या होगी वेल्डिंग होगी, वो क्या है आपका 1/50 पार्ट किसका, 1 सेकेंड का। ठीक है, तो इस टाइम इंटरवल से आपका क्या होगा स्पोर्ट्स पर वेल्डिंग होगी, कितने mm की थिकनेस की मेटल सीट के लिए, 0.25 mm की मेटल सीट की थिकनेस के लिए। ठीक है, अब ये है आपका सिंपल सर्किट डायग्राम किसका, स्पॉट वेल्डिंग का। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपनी अपन बात करें राइट हैंड साइड में अपन देखें तो ये अपनी क्या है एसी सप्लाई, तो ये एसी सप्लाई आप क्या कर रही है, कितनी पर अवेलेबल होती है, अगर अपन सिंगल फेज की यहाँ पर बात करें तो ये कितना होगा आपका 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ सप्लाई। तो इसको फिर अपन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू, जिसको कि अपन क्या नाम दे रहे हैं वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से अपन इसको कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं अप्रोक्स 2 वोल्ट या 2 to 12 वोल्ट की रेंज, जो भी अपन फिर सूटेबल है जो भी अपनी एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग फिर अपन यहाँ पर वोल्टेज क्या कर लेते हैं डाउन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपन ने बात करी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड के बीच जो वोल्टेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 वोल्ट होना चाहिए, और जो करंट की रेंज है वो कितनी होनी चाहिए, लगभग 5000 एम्पियर या इससे अधिक। ठीक है, तो ये 2 वोल्टेज जो अपन प्राप्त करेंगे वो किससे प्राप्त करेंगे, एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से, जो कि आपका क्या है एक तरह का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने क्या यहाँ पर वोल्टेज आपका कम कर दिया, फिर इस वोल्टेज को आप किस पर अप्लाई करेंगे, जो भी आपके दोनों इलेक्ट्रोड है, नीचे वाला जो आपका इलेक्ट्रोड है ये क्या है आपका फिक्स्ड इलेक्ट्रोड है, और जो अपर पोर्शन में आपका टॉप पोर्शन पर जो आपको इलेक्ट्रोड दिख रहा है ये आपका क्या है मूवेबल इलेक्ट्रोड है, इसको आप अप डाउन क्या कर सकते हो, मूव करा सकते हो, ऊपर नीचे इसको ला सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जो आपके दोनों इलेक्ट्रोड हैं ये क्या है, यहाँ पर अपन ने वाटर कूल्ड इलेक्ट्रोड दिखाए हैं, जिससे कि आपके कारण जो इलेक्ट्रोड स्टिकिंग हो रही है वो यहाँ पर नहीं होगी, इलेक्ट्रोड स्टिकिंग की कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी, किसके कारण आपके वाटर कूल्ड इलेक्ट्रोड के यूज में लेने के कारण। ठीक है, अब बात करें ये जो आपके दो सीट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं ये आपकी क्या है वर्क पीस है, एक ऊपर आपके मेटल सीट दिख रही है और एक नीचे आपका इलेक्ट्रोड के साथ में एक मेटल सीट दिख रही है, तो जिस पर्टिकुलर स्पॉट पर आपके इलेक्ट्रोड प्रेशर इलेक्ट्रोड क्या करेंगे प्रेशर अप्लाई करेंगे, जैसे कि अपन ये ऑफिस देख रहे हैं यहाँ पर से अपन ने क्या कर लिया जो मूवेबल आपका इलेक्ट्रोड वहाँ से अपन ने क्या किया प्रेशर अप्लाई किया, तो क्या होगा तो उस पर्टिकुलर स्पॉट पर जहाँ पर आपका इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है प्रेशर अप्लाई कर रहा है वहाँ से वो
आपका जो मेटल सीट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, वेल्ड हो जाएंगी। वेल्ड कैसे हो जाएंगी कि आपका जो करंट है, हैवी करंट, वो इन इलेक्ट्रोड के थ्रू होते हुए, इन मेटल सीट्स के थ्रू होते हुए क्या होगा, फ्लो होगा। तो जो मेटल सीट्स के जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वहाँ पर उसके जो रेजिस्टेंस के कारण क्या होंगे, आई स्क्वायर आर लॉस होंगे, जिससे कि आपकी क्या होगी, आई स्क्वायर आर इंटू टी आपकी हीट जनरेट होगी, जिससे कि कारण ये मेटल सीट्स क्या होगी उस पर्टिकुलर स्पॉट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो जाएंगी, पिघल जाएंगी, और उस प्रेशर के कारण फिर वो क्या करेंगी वहाँ पर, वो दोनों मेटल सीट्स आपस में क्या हो जाएंगी, वेल्ड हो जाएंगी। तो ये है आपका एक सिंपल वर्किंग प्रोसेस किसका, स्पॉट वेल्डिंग का। अब अपन बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ स्पॉट वेल्डिंग, मतलब जो आपकी स्पॉट वेल्डिंग है उसके क्या क्या एडवांटेज हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एडवांटेज है, इट हैज़ लो इनिशियल कॉस्ट फॉर स्मॉल क्वांटिटीज, मतलब स्मॉल क्वांटिटीज ऑपरेशंस के लिए या स्मॉल क्वांटिटीज वेल्डिंग के लिए अपन, ये जो आपकी वेल्डिंग मेथड है ये क्या होता है आपका, इकोनॉमिकल पड़ता है, इसकी कॉस्ट क्या होती है, लो होती है। हायर प्रोडक्टिविटी, मतलब जो यहाँ पर जो प्रोडक्शन रेट होता है वो क्या होता है आपका, हाई होता है, इसलिए अपन को यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी मिलती है वो क्या मिलती है, हाई मिलती है। लेस स्किल्ड वर्कर कैन ऑपरेट दिस वेल्डिंग, मतलब स्पॉट वेल्डिंग के लिए आपको कोई हाईली स्किल्ड पर्सन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक लेस स्किल्ड पर्सन भी इस वेल्डिंग को क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। नो एज प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर कोई आपको एज प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑपरेशन में बी मेड ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक, मतलब यहाँ पर जो आपका ऑपरेशन है इसको आप ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, उसके अनुसार अपन यहाँ पर जो अपना वेल्डिंग का जो ऑपरेशन है इसको अपन ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक कर सकते हैं। नो फिलर मटेरियल इज रिक्वायर्ड, आर्क वेल्डिंग से कंपेयर करें तो यहाँ पर कोई आपको फिलर मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे जो दोनों आपके पेरेंट मटेरियल हैं, जो दोनों मेटल सीट्स हैं, मेटल वर्क पीस हैं, उन दोनों का आपस में मिलाकर यहाँ पर क्या की जाती है, वेल्डिंग की जाती है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी फिलर मटेरियल का यूज़ नहीं किया जाता। इफ़िशेंट एनर्जी यूज, यहाँ पर जो एनर्जी का यूज होता है वो इफ़िशेंट वे में उसका क्या होता है, यूज होता है। इसके बाद अपन बात करें डिसएडवांटेज ऑफ स्पॉट वेल्डिंग, अब आपके स्पॉट वेल्डिंग के क्या क्या नुकसान हैं, डिसएडवांटेज क्या क्या हैं उसके, जॉब ऑफ मोर थिकनेस कैन बी वेल्डेड, मतलब अधिक मोटाई की मेटल शीट्स को अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वेल्ड नहीं कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर थिकनेस की मेटल शीट्स को ही अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वेल्ड कर सकते हैं। हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, तो यहाँ पर जो स्पॉट वेल्डिंग इक्विपमेंट्स की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, हाई होती है। साथ ही साथ द स्ट्रेंथ ऑफ स्पॉट वेल्ड डिपेंड ऑन द फोर्स एंड टेम्परेचर, मतलब जो आप स्पॉट वेल्डिंग कर रहे हो तो जिस पर्टिकुलर स्पॉट पर आपकी वेल्डिंग हो रही है उस वेल्डिंग की क्वालिटी, आप जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, साथ ही साथ जो टेम्परेचर वहाँ पर जनरेट हो रहा है उस पर वो क्या करता है, आपका डिपेंड करता है, ठीक है। तो यदि आप अगर इनएक्यूरेट प्रेशर वहाँ पर अप्लाई करके रखेंगे, पर्टिकुलर करंट वहाँ पर फ्लो नहीं करवाएंगे, तो क्या होगा कि आपका जो वेल्डिंग होगी, स्पॉट वेल्ड, जो स्पॉट्स वेल्ड होंगे वो उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे। तो ये कुछ कुछ क्या है इसके डिसएडवांटेज हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ स्पॉट वेल्डिंग क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। तो इट कैन बी फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, मतलब जो आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं और जो आपकी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं, जो आपके हवाई जहाज बनाने के काम आती हैं, जो इंडस्ट्रीज जो हवाई जहाज बनाती हैं, उनमें आपका स्पॉट वेल्डिंग का क्या होता है, यूज होता है। सॉरी, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कंटेनर्स, डिफरेंट टाइप्स के कंटेनर्स बनाने में इसका यूज किया जाता है।
फैब्रिकेशन ऑफ स्टील हाउस होल्ड फर्नीचर्स, स्टील के फैब्रिकेशन में जितने भी आपके हाउस होल्ड फर्नीचर्स हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। एप्लीकेबल फॉर ज्वाइनिंग कंपोनेंट्स मेड ऑफ क्लैड मटेरियल, मतलब कोई भी जो दो मोटल मेटल सीट्स हैं जिनकी थिकनेस कम है उनको आप यहाँ पर इस वेल्डिंग के थ्रू क्या कर सकते हो, आप वेल्ड कर सकते हो। तो ये कुछ एक अपनी क्या थी, स्पॉट वेल्डिंग की एप्लीकेशंस थी। तो इस सेशन में अपन ने क्या क्या देखा, इस सबसे पहले तो अपन ने देखा कि जो आपकी रेजिस्टेंस वेल्डिंग है वो कितने प्रकार की होती है। उसके बाद फिर अपन ने देखा कि स्पॉट वेल्डिंग क्या है, ये किस प्रकार काम करती है, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, और साथ ही साथ इसकी एप्लीकेशन क्या है, क्या क्या है, इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैंने सेशन में पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।